अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको डबल क्रोशे का एक पैटर्न बनाने सिखाऊंगी, जिसके लिए ये यार्न और 3.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। जैसे कि मैं बना रही हूँ इस तरीके से, सबसे पहले आप एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद आप चेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे जिस पर हमने पैटर्न बनाना है। चेन ना ज़्यादा लूज़ रखनी है और ना ही ज़्यादा टाइट रखनी है। चेन वन, चेन टू, चेन थ्री, चेन फोर, चेन फाइव, चेन सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन। फिफ्टीन चेन्स बनाने के बाद आपने टू चेन्स इंक्रीज करनी है पैटर्न बनाने के लिए। चेन वन एंड चेन टू। टू चेन्स बनाने के बाद आपने थर्ड चेन जो हुक से है उसके अंदर वर्किंग स्टार्ट करनी है और डबल क्रोशेज बनाना स्टार्ट करने हैं। डबल क्रोशे बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह से स्टिचेस जो हैं वो लेना पड़ेंगी, जैसे कि दिखाया गया है। पहले आप यार्न को हुक पर लेकर आएंगे, उसके बाद चेन के अंदर से यार्न को पुल ओवर करेंगे और फिर दो दो लूप्स के अंदर से यार्न को एक एक बार गुजारेंगे। इस तरह से आपका डबल क्रोशिया जो है वो बनता है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। आप यार्न को पहले हुक पर लपेटेंगे, चेन के अंदर से यार्न को पुल ओवर करते हुए निकालेंगे। थ्री लूप्स जो होंगे उनमें से टू लूप्स के ऊपर से पहले यार्न को निकालेंगे, फिर दूसरे टू लूप से, और इस तरह से आपका डबल क्रोशिया जो है वो तैयार हो जाता है। टोटल 15 चेन्स हमने ली हैं, तो इस तरह से हमारे पास टोटल हर चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया के हिसाब से 15 डबल क्रोशियस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से आप ये डबल क्रोशियस जो हैं वो टिल दी एंड ऑफ चेन बनाते जाएंगे। लास्ट स्टिच मेरे पास है, इसके अंदर भी हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो के लिए हम टू चेन्स बनाएंगे, चेन वन एंड चेन टू। टू चेन्स बनाने के बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। वर्क को टर्न करने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट डबल क्रोशे की स्टिच है उसके अंदर हम दोनों लूप्स को लेते हुए, जो दो लूप्स नज़र आ रहे हैं हमें यान के, उन दोनों लूप्स के लेते हुए यान को पुल ओवर करेंगे। थ्री लूप्स जो हैं हमारे हुक पर उसमें से दो में से पहले गुजारेंगे और दो में से बाद में यान को। इस तरह से हमारा डबल क्रोशे सेकंड रो के लिए बनता जाएगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यान को पुल ओवर करेंगे, टू लूप से गुजारेंगे, अगेन टू लूप से गुजारेंगे। नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी यार्न को पुल ओवर करेंगे, टू लूप्स, देन अगेन टू लूप्स, और इसी तरह से हमारा डबल क्रोशे सेकंड रो के लिए तैयार होता जाएगा। सेकंड रो में भी आपके पास टोटल 15 डबल क्रोशेज जो हैं वो तैयार होंगे सेकंड राउंड के लिए। इसी तरह से आप टोटल रो तैयार कर लेंगे। मेरे पास लास्ट टू स्टिचेस रह गई हैं। लास्ट स्टिच में भी हम इसी तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे और जो 15th स्टिच है हमारे पास डबल क्रोशे की, 15th स्टिच के अंदर भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमारी रो टू कंप्लीट हो जाएगी। रो टू को कंप्लीट करने के बाद रो थ्री के लिए अगेन हम टू चेन्स बनाएंगे। टू चेन्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करके
फर्स्ट जो हमारा राउंड का डबल क्रोशे है उसके अंदर दोनों लूप्स के अंदर से यार्न को पुल ओवर करते हुए डबल क्रोशेज बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हम अपने थर्ड राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यार्न को हुक के ऊपर गुजार कर यार्न को स्टिच के अंदर से पुल ओवर करके दो टू लूप से गुजारेंगे, फिर अगेन टू लूप से गुजारेंगे। मैंने थर्ड रो तैयार कर ली है, लास्ट स्टिच इसकी रहती है, उसके अंदर भी इसी तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। जितने भी आपने रोज़ बनानी हो इस पैटर्न के ज़रिए आप बना सकते हैं। मैंने 5 रोज़ तैयार कर ली हैं सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए। इसी तरीके से आप डबल क्रोशेज बनाते हैं। डबल क्रोशे क्रोशे में सबसे इजी स्टिच है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्टली तैयार हो जाती है और ये बहुत अच्छी भी है, बिगनर फ्रेंडली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।